Yeah, so we are doing revision for periodic test 1. So as I asked, which type of earthquake is this? When earthquake or vibrations or seismic waves occur due to disturbance along a fault line, whenever two tectonic plates, they converge, slide against each other, this type of earthquake is known as. चलिए मैं दूसरा पूछ लेती हूँ आपसे. अ प्लेस नियर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, अ प्लेस डीप इनसाइड द अर्थ. हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी जो भी मीडियम हो इतना पे इंग्लिश आती होगी. पृथ्वी के अंदर एक ऐसा स्थान जहां से आपकी जो अर्थक्वेक वेव्स हैं उनका ओरिजिन होता है, उस स्थान को हम क्या कह रहे हैं? द प्लेस इनसाइड द अर्थ, डीप इनसाइड द अर्थ, फ्रॉम वेयर सिस्मिक वेव्स ओरिजिनेट्स, भूकंपी तरंगे तरंगों का ओरिजिन होता है और वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं? कितने बच्चों को इसका आंसर पता है? जस्ट रेज योर हैंड. ओके, अभी आप चीटिंग करने की कोशिश मत करिए कि हम कहीं से चीटिंग कर लें, कुछ नहीं. अपनी मेमोरी पर ध्यान दीजिए, ट्रस्ट योर मेमोरी कि आपको कितना याद है. अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा तो आपको इन सब क्वेश्चन में बहुत डिफिकल्टी नहीं होगी. चलिए एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आपसे. ये बताइए, द सब्जेक्ट विच स्टडीज अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज इज नोन एज, एंड इट इज ए पार्ट ऑफ ज्योग्राफी ओनली. दिस सब्जेक्ट इज पार्ट ऑफ ज्योग्राफी बट इट स्टडीज ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप एंड ह्यूमन एक्टिविटीज. नहीं पता, बताइए. इतने बच्चों को इसका आंसर पता है? ओनली टू. मेरा क्वेश्चन ये है कि ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है, ब्रांच है, बट इट्स एंड इट्स स्टडीज अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज. विच ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी स्टडीज अबाउट ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप एंड देयर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, बताओ? फिजिकल ज्योग्राफी. ओके, अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, चलो. अच्छा, मैं इससे पहले आपको एक, अब देखिए आप वही है कि बच्चे आप बता ही नहीं पा रहे हो. अब आप कह रहे हो फिजिकल ज्योग्राफी. फिजिकल ज्योग्राफी ओनली स्टडीज अबाउट फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द अर्थ. अभी आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इसमें ह्यूमन का कहीं डिस्कशन आया है क्या? हम क्या पढ़ रहे हैं मैम? ह्यूमन ज्योग्राफी. यस, बॉबी ने आंसर दिया ह्यूमन ज्योग्राफी. वी आर स्टडिंग अबाउट ओनली फिजिकल एस्पेक्ट. वेल डन, बट यू ट्राइड. इट मीन्स आपका दिमाग चल रहा है कुछ ना कुछ तो, ठीक है ना? जो कुछ आंसर ही नहीं कर रहा है उसका मतलब दिमाग उनका बैठा हुआ है. तो बेसिकली जब हम ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो कौन सी ज्योग्राफी? ह्यूमन ज्योग्राफी. दो ही तो ज्योग्राफी है बेसिकली और उनके सब ब्रांचेस हैं. तो ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ. वो विषय जो अर्थ के डिस्क्रिप्शन को, अर्थ को डिस्क्राइब करता है, उसको उसके बारे में बताता है, उसको हम क्या कहते हैं? ज्योग्राफी. जो उसके फिजिकल एस्पेक्ट को पढ़ता है उसको हम फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं. जो उसके ह्यूमन एस्पेक्ट को पढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी. सिट डाउन बोथ ऑफ यू. बेटा 40 नंबर का ना ऐसी क्वेश्चन आएगा करने में तुम लोगों की हालत खराब हो जाएगी अगर तुम लोग नहीं पढ़कर गए तो. और यहाँ से भी शुरुआत है, ये आपके नंबर काउंट होते रहेंगे आगे चल के. पास होने में बहुत अहम जो है रोल हमने देखा है. 11 के बच्चों को मस्ती करते हुए, वो बिल्कुल सुनते नहीं टीचर की बात, और एंड में जाके जब रिजल्ट मिलता है तब समझ में आ जाता है सब. और कहीं CBSE ने पेपर बोला है कि हम दे देंगे बोर्ड ये 9th का और 11th का भी बना के, तब तो और फिर CBSE के पेपर तो और टफ होते हैं. मैं आपको उससे पहले बता देती हूँ रीजनिंग एंड एजर्शन क्वेश्चन, ठीक है ना? रीजनिंग एजर्शन क्वेश्चन में क्या होता है कि एक आपको चार स्टेटमेंट आपके उसमें दिए रहेंगे, ए बी सी एंड डी, ठीक है? ए मींस, और उसमें दो क्वेश्चन होगा, एक हुआ एजर्शन, एजर्शन, और दूसरा क्या होगा? रीजनिंग, रीजन होगा ऐसे, ठीक है? ये हो गया. इसको हम हिंदी में कहते हैं अभिकथन और इसको हम कहते हैं कारण. तो ये दो स्टेटमेंट्स आपके क्वेश्चन में दिए रहेंगे. अब ये चार आपको वो दिए रहेंगे साइन, मतलब इसको आपको इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर आपको क्वेश्चन करना है. लाइक पहला रहेगा ए एंड आर, बोथ आर ट्रू या करेक्ट जो भी है, एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए.
ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ये है कि assertion जो है, जो assertion का स्टेटमेंट है और जो रीजन का स्टेटमेंट है, दोनों के दोनों सही है। ठीक है, पहले बात तो आपको ये देख चेक करना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है जो दिए हुए हैं, ठीक है ना। और जब आप ये चेक कर लिया तो एक काम हो गया, चलो दोनों सही है पहले, तो ये स्टेटमेंट आपको चेक करना है। उसके बाद दूसरा आपका आएगा ए एंड आर, बोथ आर ट्रू बट आर डज नॉट, जो है ना, डज नॉट एक्सप्लेन ए। ये दोनों, पहला आपका क्या रहेगा, अगर मान लो दोनों सही है, स्टेटमेंट सही है, और अगर आर रीजन इस स्टेटमेंट को करेक्टली उसका एक्सप्लेनेशन बता रहा है, तब हम क्या कहेंगे, तब हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए। एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, लाइक जैसे मैं एक मान लो सपोज एग्जांपल आप क्वेश्चन दे रही हूँ, एक स्टेटमेंट क्या दिया मैंने, क्वेश्चन मैंने पेपर में क्या दिया याद कर लिया, चलो हाँ चलो यही दे देते हैं, चैप्टर कौन कौन सारे तुम्हारे अर्थवे का रहे ना, अर्थवे वॉल्केनोस, अभी मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा कोई भी, मतलब कौन से देने हैं, लेकिन पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शन बता देती हूँ। तो ए एंड आर अगर दोनों सही है, लेकिन अगर आर एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे मान लो 12th का आपको मैं एग्जांपल दे दूँ, मैं आपको 9th केस का नहीं दूंगी, अगर मुझे याद आता तो मैं आपको बताऊंगी। सपोज मैंने assertion में लिख दिया कि the rivers are polluted in the plain areas, ठीक है ना, मेरा वो स्टेटमेंट क्या हो गया, the rivers are, मैं भी बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, polluted in the plain areas, ये मेरा assertion है, ये मेरा कथन है, ठीक है ना। अब मैंने रीजन क्या दिया है, प्लेन एरियाज हैव हाई पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये बताइए कि इसका क्या होगा, ये एक एक इसका आंसर क्या होगा, ए। क्यों, क्योंकि पहली बात तो दोनों सही है, पहले तो आप ये देखिए कि दोनों सही है कि नहीं है, द रिवर इज पॉल्यूटेड इन द प्लेन एरियाज, जो नदी का लोअर स्ट्रेच होता है, जिसको हम कहते हैं लोअर स्ट्रेच, जो प्लेन एरियाज में जैसी नदी आती है वो ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है, इसका कंपेयर टू माउंटेनियस एरियाज, ठीक है ना। अब ये स्टेटमेंट सही हो गया, अब हम रीजन देखते हैं कि ये कथन सही है कि नहीं है। हमने देखा प्लेन एरियाज हैव हाई पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ये भी सही है कि जो प्लेन एरियाज होते हैं वहां पे जनसंख्या अधिक होती है और इंडस्ट्रीज भी होती है एज कम्पेयर टू माउंटेनियस एरियाज, इसका मतलब कि दोनों सही है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, तो क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, सही है, रीजन रीजन भी सही है, क्योंकि जो नदियों का जो प्लेन एरियाज होता है वो ज्यादा पॉल्यूटेड होता है बिकॉज दे हैव हाई पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है, ए हो गया। मान लो मैं इसमें इसमें कुछ और दे देती कि मान लो मैंने इसमें स्टेटमेंट दे देती कि इसको हटा के मैं दूसरा स्टेटमेंट देती कि माउंटेन्स हैव लो पॉपुलेशन और माउंटेनियस एरियाज आर यू नो स्पार्सली पॉपुलेटेड, स्पार्स मतलब क्या होता है, कम जनसंख्या होती है, तब भी मेरे दोनों स्टेटमेंट सही होते, ये तो सही था ही, लेकिन जो मैंने दूसरा रीजन लिखा है वो भी सही होता मेरा कि माउंटेनियस एरिया जो है वहां पे पॉपुलेशन कम होती है, लेकिन जो मेरा ये रीजन है क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है सही से, नहीं कर रहा है, मतलब है तो दोनों सही, ठीक है ना, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द एजर्शन करेक्टली। माउंटेनियस एरियाज में पॉपुलेशन कम होती बात सही है, लेकिन उसका लेना देना इससे नहीं है, ठीक है ना, तब हमारा आंसर क्या होगा, बी, बी होगा। मान लो अब सी क्या आएगा आपका, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, या भी जो भी इसमें दिया रहेगा, देन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। अब मान लो मैं इसकी जगह फील दूं कि प्लेन एरियाज हैव लो पॉपुलेशन एंड नो इंडस्ट्रीज, है ना, मैं रीजन लिख दूं प्लेन एरियाज हैव लो पॉपुलेशन एंड नो इंडस्ट्रीज, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत, तब हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा, कि मतलब assertion तो हमारा क्या है, ट्रू है, बट रीजन हमारा गलत हो गया, ठीक है ना। या तो मैं ये कर दूं ये हमारा वैसे का वैसे ही रहे कि प्लेन एरियाज हैव हाई पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रीज, और इसकी जगह मैं ये लिख दूं कि द अपर स्ट्रेच और रिवर्स आर हाईली पॉल्यूटेड इन द माउंटेनियस एरियाज,
तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा? ऊपर वाला क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि जो नदियां होती है वो माउंटेन्स में कॉलेक्टेड नहीं होती, कहाँ होती है? प्लेन्स में। तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, उस केस में ए गलत हो गया और हमारा आर सही है। तो पहले तो दोनों स्टेटमेंट पढ़ना, अगर इन दोनों में से कोई भी एक गलत हुआ तो आप में इन दोनों में से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगर दोनों सही निकले तब आपका आंसर इनमें और इनमें होगा। तो दोनों अगर सही निकल गए तब तो ठीक है, फिर दिमाग लगाना कि क्या रीजन इसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है? ये जो ऑनलाइन बच्चे उनको समझ में आया, ये रीजनिंग पेन दिख भी रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा इन लोगों को? ये रीजनिंग एसर्शन आपको समझ में आया बच्चों? यस मैम, यस मैम। हाँ, रीजनिंग एसर्शन में क्या है कि आपको एक एसर्शन दिया जाएगा और एक स्टेटमेंट दिया जाएगा रीजन का। अब उसमें चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है सही तरीके से ए को एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा दिया जाएगा कि दोनों सही हैं ए एंड आर, बट रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग द एसर्शन। तीसरा क्या होगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। और चौथा क्या होगा? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इस तरह से करके आपको फोर ऑप्शंस में से आपको कोई भी सही जो है उसे सिलेक्ट करना है और उसे प्रॉपर जो है अपने जो भी आपको मार्कशीट मिलेगी उसमें आपको एनसर्कल करना है। और मैंने आपको बता दिया, अगर आपने एक गलत किया तो आप कार्ड के दूसरा बनाएंगे तो उस पे नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए एक ही बार में जो आप बनाएंगे बिल्कुल सही तरीके से बनाना, क्योंकि बिल्कुल उस जो हमारे 12th है उसमें भी बिल्कुल मना हो गया था कि अगर आप दो करके फिर काट रहे हो फिर उसी में भर रहे हो तो उस पे आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है? और लास्ट की जो तीन क्वेश्चन है, एक मैप वाला है और दो पैसेज बेस्ड है, उसमें मैंने पांच पांच क्वेश्चन दिए, मतलब 15 क्वेश्चन है, पांच पांच पांच, उनमें से क्या करना है आपको? ओनली 4 अटेम्प्ट करने, ठीक है ना? सिर्फ 4। और अगर आपने, जैसे मैंने कहा, कुछ बच्चे चलाकी करते हैं और 5 का 5 अटेम्प्ट कर देते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट 4 होंगे वो क्या होंगे? आपके चेक होगा और लास्ट वाला मैं वैसे ही काट दूंगी, अगर सही भी हुआ तो भी कट हो जाएगा। इसलिए सिर्फ 4 ही करना, ठीक है? तो ये हो गया आपका रीजनिंग एजर्शन जो है, आप उसमें घबराए आइएगा मत, आपने जो पढ़ा है उसी में से आएगा। जैसे कि आपने पढ़ लिया कि प्राइमरी वेव्स हैं, है ना, वो सॉलिड में से जो है वो फ्लो प्राइमरी वेव से, मारो स्टेटमेंट दे दिया गया कुछ रीजनिंग का एजर्शन का कि प्राइमरी वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है? प्राइमरी वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू ओनली सॉलिड, ओनली गलत है ये, बिकॉज ये स्टेटमेंट किसके लिए सही है? सेकेंडरी वेव्स के लिए, because only secondary waves can travel secondary waves can only travel, ये चीजें बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसी वो अर्थक्वेक है जो कि प्लेन के वजह से होता है, तो उसका आंसर उसमें अलग से रीजनिंग एजेशन कुछ वो होता आपका यही है, लेकिन बस आपको दिमाग लगाना होता है कि हमने जो पढ़ा है वो सही है गलत। अब मैं आपसे कह दूं कि इंडिया इट लाइज इन सब ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है, वो ट्रॉपिकल एंड दोनों एरियाज में आता है, क्वेश्चन हो गया मेरा, ठीक है? रीजन मैंने नीचे दे दिया, बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो क्या ये सही है? इसका आंसर क्या होगा चारों में से? ए होगा। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा इक्वेटर के पास का जो हिस्सा उसको हम इक्वेटोरियल कहते हैं, और 23.5 डिग्री
क्रिया ट्रॉपिकल एंड सरगर्मी कम होती है. तो इस तरह के आपके जो है स्टेटमेंट्स जो है आ सकते हैं. देन इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल इसमें ध्यान से पढ़ना कि दोनों स्टेट नहीं है. ठीक है, आ जाए लाइक द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ए पेनिनसुला, ये एजर्शन हो गया हमारा. अब मान लो रीजनिंग मैंने दे दी कि द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स. ठीक है, तो नेटवर्क बच्चों प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों. मैंने अपने मोबाइल से भी कनेक्ट किया तब भी नेटवर्क चला जाता है. आप दोनों बात मत करिए. आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते? अच्छा, आपने एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे उस दिन, पहले मैं थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन बता देती हूँ. लाइक अब जैसे क्वेश्चन आ गया कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये मेजरेशन हो गया. रीजन देर इज ए टाइम गैप ऑफ, मतलब कुछ इस रीजन में बहुत चीजें आ सकती है. देर इज ए टाइम गैप ऑफ 4 मिनट्स बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स विच शोज वेरिएशन इन द टाइम, ये हमारा रीजन हो गया. तो क्या इसका आंसर होगा? क्या हमारा एजर्शन सही है कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन? ये सही है, ये सही है. मैंने रीजन क्या दिया? बिकॉज आर करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है. मालूम क्यों कर रहा है? बिकॉज बता रहा है ना कि 4 मिनट का गैप है एंड देर इज अ टाइम डिफरेंस. क्योंकि पूरा चीज नहीं लिखी जा सकती ना, तो देर इज अ टाइम डिफरेंस. तो उस टाइम डिफरेंस को हटाने के लिए हमने क्या चूज किया है? अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन जो मिडिल लॉन्गिट्यूड है. ठीक है, अब जैसे आपने उस दिन पूछा था क्वेश्चन की भाई हमारा जो 4 मिनट का अंतर क्यों होता है दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, तो आपको पता है कि हमारा एक जो हमारा जो अर्थ है वो एक सर्कल है. अगर बेसिकली देखा जाए, ऑल्दो इट्स शेप इज जियोइड कहते हैं हम, GEOID, बट ये एक सर्कल है. और एक सर्कल कितनी डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है. तो एक सर्कल कंप्लीट करने में अर्थ कितना टाइम लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो उस लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, आज जो सर्कल कंप्लीट करता है हम क्या कहते हैं ज्योग्राफिकल टर्म्स में, दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ द रोटेशन. अब मेरे मुझे निकल गया, क्या कहते हैं? रोटेशन. व्हेन अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस दिस इज नोन एज रोटेशन. तो अर्थ जब रोटेट कर रहा है, एक रोटेशन कंप्लीट करता है, तो क्या है वो अपना 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट कर रहा है. कितने टाइम में करता है? 24 घंटे में करता है. तो एक घंटे में कितना करेगा? अगर 24 घंटे में 360 डिग्री कवर कर रहा है, तो एक घंटे में कितना डिग्री कवर करेगा? व्हाट विल यू डू? डिवाइड करोगे 360 डिवाइडेड बाय 24, कितना होगा बताइए? 360 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा? क्योंकि 360 का डिग्री कंप्लीट कर रहा है 24 घंटे में, तो हमने 360 को 24 से डिवाइड किया, कितना आया?
मैम 15। कोई बच्चा ऑनलाइन बताएगा? ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए कितना आएगा? मैम 15। मैम 15। कितना आएगा? 15 डिग्री, है ना? इसका मतलब कि अगर हमारा अर्थ 24 घंटे में एक चक्कर लगा रहा है, 360 डिग्री एंगल कवर कर रहा है, तो हाँ, तो एक घंटे में कितना करेगा? 15 डिग्री। और अगर एक घंटे में 15 डिग्री करेगा तो हाँ, थैंक यू, पता चल गया। ओके, वेरी गुड। तो जैसे मैंने आपको बताया, 15 डिग्री अगर एक घंटे में कर रहा है तो 1 डिग्री कितने टाइम में करेगा? 1 डिग्री अगर एक घंटे में 15 डिग्री कवर कर रहा है तो 1 डिग्री कवर करने में कितना टाइम लगेगा? आप क्या करोगे, 15 डिग्री को किससे डिवाइड करोगे? 1 घंटे से। अब 1 घंटा कितना होता है? 60 मिनट। तो डिवाइड करो 15 × 60, अपॉन 60 क्या हुआ, कितना आया? 4 आया ना। इसका मतलब 4 मिनट। मैम 0.25। इसका मतलब कि अर्थ 1 डिग्री से 2 डिग्री दूसरे डिग्री पे घूमने के लिए कितना टाइम लेता है? 4 मिनट का। इसीलिए दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कितना टाइम गैप है? 4 मिनट का। ठीक है ना? ये समझ में आया आपको फंडा? नहीं आया? ठीक है, कुछ नहीं है, बस वही चीजें आप डिवाइड करते जा रहे हो 24 घंटे में। यानी 4 मिनट आएगा। आप किसको 15 से 15 को डिवाइड करिए 60 से, ये आएगा ना 15 को। देखो मैं अपना खुद मोबाइल पे कर लेती हूँ, मुझे कौन सा मैथ आती है। 60 डिवाइडेड बाय 15, 4 आ रहा है। 0.25 मैम, 0.25 ही आ ठीक रहा है, है। तो जीरो आपने पॉइंट 15 को 1 घंटे से डिवाइड किया, मतलब 60 मिनट से डिवाइड किया, तो कितना आपका आंसर? 4 मिनट। तो वही चीजें, बस आपने जो है 24 घंटे में सर कम भी करा 30 डिग्री, तो 1 घंटे में इतना आपने 30 को 24 डिवाइड कर दिया, 15 डिग्री आ गया। तो फाइव हाँ, किससे किसको डिवाइड कर रहे हो? किससे डिवाइड करने पे 0.5 आ रहा है? अरे आप इस समय वो मत देख, मतलब कि आप माइनस माइनस ये ऊपर जैसे देख रहे हो वो मत देखो, बस सिंपल आप है 60 को डिवाइड करो 15 से। वो तो आप 15 केबल या रोज से आएगा, उसमें 15 और 60 होता है, तो आपका 4 आंसर आ जाएगा। यस चलिए मैम, अब फोर आप आ इस पे गया। बेस्ड, सुन लो, इस पे बेस्ड अब कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है ना? अब 4 आ गया ना। हाँ, तो अब इस पे बेस्ड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। और हमारे 68, हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, लैटिट्यूड, बहुत अच्छे से रट लेना, अच्छे से लर्न कर लेना। और रटने का मतलब क्या है कि मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे पूरा फ्रेम बना के दिखाया था कि हमारा जो गुजरात है वहां से कौन सी रेखा पास होती है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और जब हिमाचल का जो लास्ट पॉइंट है उसको कौन स्ट्रेच करते हुए रेखा निकलती है? 97 डिग्री 20 25 मिनट ईस्ट। हम हिमाचल से पीछे आते जाएंगे, 4 4 मिनट का गैप होता चला जाएगा। ठीक है, अब हम यूपी में आएंगे, मिर्जापुर में, तो 1 घंटे का होगा। तो इसलिए जो मिर्जापुर में है, मिर्जापुर जो एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, उसको हमने क्या मान लिया अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन। वहां से जो रेखा क्रॉस करती है उसको हमने अपना क्या मान लिया? स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। जो टाइम मिर्जापुर में होता है इस लॉन्गिट्यूड पर होता है, गांव से मतलब नहीं है, हमने जब 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को देखा तो वो कहाँ से क्रॉस हो रहा है? मिर्जापुर से। तब हम मिर्जापुर ले रहे हैं, यानी कि हमें मिर्जापुर को लेने का, अगर वहां कोई और गाँव होता तो हम उसको लेते हैं। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे जो टाइम होता है उसको हम पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल मानते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने जो है अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है इसको यूज किया। अब इस पे बेस कुछ भी रीजनिंग एजेशन के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये दिमाग में आपके क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है कि अरुणाचल में सनराइज जल्दी होता है, गुजरात में कम लेट में होता है, तो भी जो है हमारी घड़ी में एक जैसा टाइम क्यों दिखा रहा है?
है ना, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए बिकॉज वी हैव सिलेक्टेड 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट एज आर स्टैंडर्ड मेरिडियन। कहाँ से पास होता है आपको बता दिया गया है। तो रीजनिंग एजेशन के क्वेश्चन ही आपके लिए मेन टफ पड़ेंगे, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैप इंडिया का जो है उसको थॉरली आप जो है क्या करेंगे, याद करेंगे, ठीक है। कोई बच्चा इंडिया का मैप बना सकता है ब्लैक बोर्ड पर, एक रफ मैप बना दीजिए, बनाओ इंडिया का मैप। क्या आप लोगों ने रिवाइज किया? अमित राणा, जानवी, निखिल, जो आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, सचिन, खुशी, मनीष, वन 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 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। इंडिया में अभी जल्दी ही कोई नई यूनियन टेरिटरीज ऐड हुई है, क्या नाम है, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। तो वो नया मैप आपने देखा है, नहीं देखा है तो क्यों नहीं देख रहे हो, थोड़ा सा पता होना चाहिए ना कि कंट्री में क्या। तो खैर उस मैप को देख लेना, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि लद्दाख कहाँ पे है और जम्मू एंड कश्मीर कहाँ पर है, ठीक है। बन गया मैप, इंडिया का वर्ल्ड का बनाना आना चाहिए। जब आप खुद बनाओगे ना हाथ से, तो आप फिर कोई भी लोकेशन आप भूल 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 नहीं सकते, ठीक है। इधर आ जाओ जल्दी, आओ यहाँ पे, जो दो वाटर बॉडीज है उनके नाम लिखो फटाफट। मैंने कहा वाटर बॉडीज, यहाँ पे दो वाटर बॉडीज है ना, अपने नाम लिखो। यहाँ पे कौन सा सी है, हाँ तो अरेबियन सी देखो, वाटर बॉडी मतलब क्या होता है, अरे उसको मैं कहने की जरूरत नहीं है, वैसे लक्षण देखो, अरेबियन सी, एक आई नहीं आएगा, अरेबियन सी, A-R-A-B-I-A-N, अरेबियन सी, वो कौन सा है, हाँ लिखो जल्दी लिखो फटाफट, आ चला, हाँ बे ऑफ बंगाल। ठीक है नेक्स्ट कौन आना चाहता है, आप आइए जल्दी फटाफट आइए। आइलैंड ग्रुप बना दो इंडिया के, इंडिया के जो आइलैंड आइलैंड क्या कहते हैं, आइलैंड ग्रुप्स बना दो, बस नाम लिख दो, ये क्या है, अब आप अपनी कंडीशन देखिए बच्चों, आप 12th लेवल पे आके अपने आप को कुछ आप लोगों को आसपास का पता नहीं, 12th और 11th लेवल पे आपको नहीं पता यहाँ पे कौन सा आइलैंड है इंडिया का, यहाँ पे कौन सा है, दमन दीव नीली, इलेवेंथ की क्लास में ये लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार। तो ऐसे जो है कल पूरा थोरली प्रिपेयर होके आइएगा, मैं आपसे ब्लैक बोर्ड पे बनवाऊंगी, ठीक है ना, सारे बच्चे तो कल गायब हो जाएंगे आप, कुछ बच्चे तो रेगुलर आते ही हैं, हाँ लेकिन मैंने पूछा इंडियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स,